हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना जो है नया टूर जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी हमने जहाँ पर हम पहले रुके हुए थे गुरुद्वारे में, वहाँ से हमने चेकआउट कर लिया है। सुबह का टाइम हो रखा है 5:40। अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे। हमने यहाँ पर जो जो घूमने की चीज़ें थी सब एक्सप्लोर कर ली है। नाना देवी माता गुरुद्वारा, और अभी रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं। हमारी ट्रेन है 6:10 के 20 मिनट के आसपास है 6:00। यहाँ से हम आगे माता पे जाएंगे। यहाँ से सीधी ट्रेन है हमारी दौलतपुर चौक की। वहाँ से 4 माता है, वो हमने एक्सप्लोर करनी है। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अपनी ट्रेन आ गई मित्रों। व्यू देखो, व्यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम नंगल डैम के नज़दीक पहुंच गए हैं। अभी जल्दी आपको नंगल डैम दिखाएंगे। वही धक्का लगा रहे, देखो ट्रेन को। ये देख, चल पड़ी है बस। दोस्तों आप पहुंच गए नंगल डैम पे। देखो नज़ारा, देखो हिमाचल में एंटर हो गए दोस्तों। ऊना का आ गया रेलवे स्टेशन, ऊना हिमाचल में। सीजन के हिसाब से कुछ ना कुछ खाने का लेके चले अपने साथ। देखो बिस्कुट भी है, साथ में नमकीन भी लेके आए थे हम। अगर जैसे बाहर से अगर खर्चा करते हैं ना, तो 20-30 रुपए एक बार में लग जाते हैं। अगर नाश्ता करते हैं तो हमारे जो है कुछ पैसे सेव हो जाते हैं, अगर साथ में कुछ खाने पीने का सामान लेके चलते हैं। दोस्तों आप पहुँच गए दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन पे। इस ट्रेन में आए थे ये अपने भाई भी साथ में। ये देखो दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन। अभी बस स्टैंड पे जा रहे हैं, वहाँ से बस पकड़ेंगे माता के लिए। बाकी आगे की जर्नी आपको दिखाते रहेंगे साथ के साथ। बस स्टैंड पे आ गए दोस्तों दौलतपुर चौक के। और रेलवे स्टेशन से जो दौलतपुर का बस स्टैंड है ना, वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको माता के लिए बस मिल जाएगी। अभी बस स्टैंड पर पूछा था दोस्तों हमने, यहाँ से दौलतपुर चौक बस स्टैंड से मुबारकपुर के लिए बस मिलेगी पहले, वहाँ से ज्वाला जी माता के लिए हमें बस लेनी है वहाँ से। देखो इस बस ने हमें यहाँ पर छोड़ा है। दोस्तों दौलतपुर चौक के बाद हम आए हैं यहाँ पर माता चिंतपूर्णी जाने के लिए। मुबारकपुर आए थे, वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर था मुबारकपुर चौक। वहाँ से हमने एक बस पकड़ी थी माता चिंतपूर्णी के लिए। अभी ये चौक पर उतारा है हमको। यहाँ से माता जो चिंतपूर्णी है 3 किलोमीटर है यहाँ से। और हाँ, किराए के बारे में बता देता हूँ।
जो मुबारकपुर तक का किराया था दौलतपुर से 20 रुपये था, और यहाँ चिंतपुरनी तक का भी 20 रुपये का किराया है इस चौक तक का। इस बस में जा रहे हैं दोस्तों माता चिंतपुरनी, चिंतपुरनी माता के लिए सिर्फ 10 रुपये किराया है, यहाँ से 3 किलोमीटर है। बाकी व्यू देखो आप बाहर, ये देखो ये बस स्टैंड है दोस्तों चिंतपुरनी माता का, ये देखो। माँ चिंतपुरनी मंदिर के लिए यहाँ से पर्ची लेनी पड़ेगी दोस्तों, पर्ची दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, देखो ये पर्ची है और इस काउंटर से लेनी पड़ेगी यहाँ से। अभी जा रहे हैं मंदिर के लिए, ये क्या चढ़ाई ना को दे देखे चढ़ाई। यहाँ दोस्तों जूते उतारने के लिए रुके हैं, प्रसाद दोस्तों हमने ले लिया है इस भाई की दुकान पे, रखा है हमने बैग भी। जोर से बोलो, जेब कतरों से सावधान रहेंगे। भिक्षा वृत्ति को बढ़ावा ना दे मास्क, दोस्तों मास्क जरूर लगा के रखना। माता के दरबार में पहुंच गए हैं, ये देखो दर्शन दोस्तों बहुत अच्छे से हो गए अपने। अभी देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। चिंतपुरनी माता के दर्शन करके अभी हम आ चुके हैं जो यहाँ का बस स्टैंड है, वहाँ पे है बस भी लगी हुई है। बस थोड़ा नाश्ता करने के लिए अभी 5 मिनट के लिए रुके हैं, फिर उसके बाद चामुंडा माता के लिए निकल रही है दोस्तों। यहाँ से बस जो है चल पड़ी है, यहाँ से अभी हम जाएंगे देहरा, देहरा एक जगह है, फिर उसके बाद देहरा से जाएंगे कांगड़ा, यहाँ से देहरा के लिए 50 रुपये की टिकट है। दोस्तों देहरा जो जगह थी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये बस स्टैंड है। यहाँ से एक बस हमें और चेंज करनी पड़ेगी माँ बगलामुखी के मंदिर जाने के लिए, और ये बस है, इस बस से हम जाएंगे माँ बगलामुखी, वहाँ जाके आपको अपडेट देते हैं।
दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं माँ बगलामुखी के दरबार में। देहरा बस स्टैंड से यहाँ तक हमें 12 से 13 किलोमीटर का जो सफ़र है, बस में टिकट जो लगी है अपनी 25 रुपए की टिकट लगी है। अभी पहुंचने वाले हैं। रुक जा। ये रहा, यहाँ पर सूद जमा कराने अपने। दोस्तों यहाँ से जो है इसकी एंट्री करानी पड़ेगी, जो आधार कार्ड वगैरह या फिर कोई भी अपना जो है अपना प्रूफ के लिए। देखो दोस्तों ये बगलामुखी माता का मंदिर है, ये यहाँ पर पीला चढ़ावा चढ़ता है माता जी को, ये यज्ञ वगैरह हो रहा है। बाकी इसके अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर दूर से मैंने दिखा दिया आपको सारा। कुछ घर के लिए लिए हैं दोस्तों, डोरे वगैरह लिए हैं। और ये इस भाई की दुकान है माता बगलामुखी मंदिर के पास, इससे ले लिए। अभी जा रहे हैं दोस्तों चामुंडा माता पे, पहले यहाँ से कांगड़ा जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से चामुंडा देखेंगे। ये पहुंच गया आइयो आपका कांगड़ा बस स्टैंड पे। इसके बाद हमें माता चामुंडा देवी की तरफ निकलना है। यहाँ से कोई 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता हो रहा है।
चलो पहुंच गए चामुंडा मंदिर के पास में ही, बस ने उतारा है। ये देखो ये गेट है चामुंडा मंदिर का, यहाँ पर उतारा है हमें। करीब यार एक डेढ़ घंटा लगा वहाँ से हमें, दूसरी जो माता से आए थे ना हम, अंदर जाते हैं अंदर दिखाते हैं आपको मंदिर। देखो ये चामुंडा मंदिर है दोस्तों, और साथ में ही नदी बहती है यहाँ पे। ये देखो कितना प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो नज़ारा देखो दोस्तों, पूरा ज़बरदस्त व्यू है। दोस्तों आज हमने है ना तीन माता घूम ली है, माता चामुंडा देवी और भी जो दो पीछे माता घूम के आए थे। अभी जो है लास्ट माता यही थी, इसके बाद हम कल घूमेंगे ज्वाला जी माता जाएंगे सुबह। अभी देखते हैं स्टे अगर यहाँ करेंगे कि ज्वाला जी करेंगे जाके। और ये देखो बाकी व्यू देखो आप नदी का। कुछ खा पी के दोस्तों निकलते हैं। ये देखो ये दोस्त मित्र हैं, ये अपनी चाय और सोस्ट आ गए। लास्ट बस यहाँ से 6:30 की है कांगड़ा के लिए। अभी कांगड़ा में स्टे करेंगे, अगर कांगड़ा से बस मिल जाती है तो आगे चले जाएंगे।